बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में पाठ 10 नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे, जिनके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। उनका बचपन और नौकरी का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में ही बीता। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। पाठ नेताजी का चश्मा में लेखक स्वयं प्रकाश ने देशभक्ति दर्शाने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया है कि देशभक्ति और आज़ादी के लिए करोड़ों नागरिकों का योगदान रहा है, जिसमें केवल बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी शामिल हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। यहाँ पर उस जगह का वर्णन किया गया है जहाँ से हालदार साहब जिस चौराहे से रोज गुजरते थे। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1 नगर पालिका भी थी। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आ सकते हैं कि कस्बे में क्या क्या था। एक लड़के का स्कूल, लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और 1 नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कोई पेशाब घर बनवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवाया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि संगमरमर की प्रतिमा कहाँ लगी हुई थी और प्रतिमा किसकी थी। तो प्रतिमा किसकी थी? सुभाष चंद्र बोस की। और कहाँ लगी हुई थी? शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर। यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह यानी बर्बाद कर देना इधर उधर की बातों करने पे, और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अर्थात नगर पालिका के पास जो है वो शायद पैसों की कमी या अच्छे मूर्तिकारों का अभाव के कारण जो है ये फैसला लिया गया कि किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर दिया जाएगा मूर्ति बनाने का। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को यह काम सौंप दिया गया होगा। तो प्रश्न आ सकता है कि मूर्ति बनाने का कार्य कौन कर सकता है? किसने किया? मास्टर मोतीलाल ने, हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने मूर्ति बनाने का कार्य किया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। अब यहाँ पर मूर्ति का वर्णन किया गया है कि मूर्ति किस तरीके से बनी हुई थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, ये सुभाष चंद्र बोस के नारे हैं। जो मूर्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में इस पाठ में बताया गया है, उस मूर्ति को देखते ही उनके द्वारा दिए गए नारों की याद आ जाती है वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा जब भी हम देखते हैं तो उन पर चश्मा लगा होता है, क्योंकि वे चश्मा पहनते थे। लेकिन यहाँ पर जो प्रतिमा में कमी थी वो क्या थी कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था।
मतलब वास्तविक चश्मा, जैसा चश्मा आम व्यक्ति जो है वो पहनते हैं, वैसा ही चश्मा जो है मूर्ति को पहनाया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, हालदार साहब को पान खाने की आदत थी और जैसे ही वो चौराहे पर पान खाने के लिए रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मतलब हैरानी भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह विचार जिसने भी लगाया कि मूर्ति पर असली का चश्मा लगा दिया यह भी बहुत अच्छा है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल यानी वास्तविक। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, मतलब जब वे पान खा के वहां से चल पड़े तो उसके बाद भी वे मूर्ति के बारे में ही सोच रहे थे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। अब इस पंक्ति के माध्यम से जो लेखक हैं वे बताना चाह रहे हैं कि देशभक्ति की भावना जो है वर्तमान समय में लोगों में देखने को नहीं मिलती, बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो कि जिनके अंदर देशभक्ति की भावना आज भी पाई जाती है। तो यही विचार करते हुए हालदार साहब जो है वो आगे बढ़ रहे थे। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे, क्योंकि जैसा पाठ के प्रारंभ में ही बताया जा चुका है कि हर 15 दिन में हालदार साहब का चक्कर वहां से लगता था, तो दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। अब अंतर क्या था, ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। मूर्ति पर चश्मा वास्तविक लगा था, पहले भी उन्होंने देखा तो उन्हें ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब उन्होंने क्या देखा कि अब जो चश्मा है वो बदल गया। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। अब जो चश्मे का आकार है वो बदल गया, पहले चौकोर चश्मा था, मोटे फ्रेम का था, अब तार का चश्मा है और आकार में भी गोल है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, कौतुक यानी बेचैनी, अब वे जानना चाहते थे कि बार बार कैसे चश्मा बदल रहा है। वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती। अब उन्हें ये भी विचार अच्छा लगा कि जैसे जैसे मूर्ति जो बना दी गई है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन उसके ऊपर चश्मा जो है उसे बार बार बदल दिया जाता है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। अब जब तीसरी बार हालदार साहब वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि अब चश्मा फिर बदल गया था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, मतलब दुर्दमनीय मतलब कि जब उनसे बेचैनी जो है वो ज़्यादा हो गई, उन्हें जब उनसे ये रहा नहीं गया कि ये सोचे बिना ये पूछे बिना कि बार बार चश्मा बदलने का कारण क्या है, तो पान वाले से ही पूछ लिया, जिस पान वाले से वे अक्सर पान लेने के लिए रुका करते थे उस पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। अब इस गद्यांश में लेखक ने पान वाला, जो पात्र पान वाला है, उसका वर्णन किया है। प्रश्न आ सकता है कि पान वाले का शारीरिक वर्णन कीजिए या चरित्र चित्रण कीजिए, तो उसमें हम बताएंगे कि पान वाला दिखने में कैसा दिखाई देता था। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। कैसा था, काला मोटा और खुश मिजाज, स्वभाव से खुश मिजाज था और शारीरिक से काला और मोटा। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब यहाँ तीसरा पात्र आ गया है, कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब हालदार साहब बेचैन थे, वो जानना चाहते थे कि चश्मा कैसे बदल जाता है और पान वाला उनका जो है सही सही उत्तर नहीं दे रहा था। कोई ग्राहक आ गया, समझो ग्राहक यानी ग्राहक, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब यहाँ पर पान वाला जो है वो क्या बता रहा है कि यदि कोई ग्राहक आ जाता है तो कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है, मूर्ति के ऊपर से चश्मा उतार के ग्राहक को दे देता है और दूसरा चश्मा जो है वो मूर्ति पर लगा देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई, एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है।
उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, उसे बिना चश्मे के जो मूर्ति देखनी पड़ती है वो अच्छी नहीं लगती, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। तो उसके पास, उसका काम चश्मे बेचने का है, तो वो चश्मे बेचने का जो काम करता है उसमें से कोई एक आधा चश्मा जो है वो मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, दरकार यानी इच्छा, फरमाइश, जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। मतलब नेताजी ने जो चश्मा पहन रखा है, जो कैप्टन चश्मे वाले ने उन्हें पहनाया है, उसे वो उतार लेता है, उनसे क्षमा मांग लेता है, उन्हें दूसरा चश्मा पहना देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। अब हालदार साहब जो है वो बहुत प्रसन्न हुए ये सुनकर कि क्या आइडिया है, क्या विचार है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा भी रह गया और ग्राहक भी खुश हो गया। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। अब वो ये सोच रहे थे कि जब बार बार कैप्टन वाले को चश्मा लगाने की नौबत क्यों आती है। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर कौन है यहाँ पर? हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी, जिन्होंने मूर्ति को बनाया था। अब पान वाला कहता है कि मास्टर जो है वो चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे, मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। पहले हालदार साहब को समझ में नहीं आ रहा था और अपने पढ़े हुए पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि मूर्ति बनाने वाला जो है वो मोतीलाल मास्टर है, लेकिन अब उन्हें वाकई यकीन हो गया था कि अध्यापक ने ही, ड्राइंग मास्टर ने ही मूर्ति का निर्माण किया है। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया। या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वो निकल गया होगा। उफ, अब हालदार साहब ने अपने मन ही मन में बहुत सारे विचार बना लिए कि मास्टर मोतीलाल ने चश्मा आखिर मूर्ति पर क्यों नहीं लगाया। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चल दिए। फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है। अब क्योंकि नाम उसका कैप्टन है तो हालदार साहब को लगा कि कैप्टन चश्मे वाला जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र का साथी रहा होगा या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। आजाद हिंद फौज जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा निर्मित की गई एक सेना की टुकड़ी थी, एक फौज थी जिसे आज़ादी के समय पर बनाया गया था। तो हालदार साहब को लगता था कि जो कैप्टन है वो आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही रहा होगा। पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब ये बात जिस तरीके से पान वाले ने बोली तो हालदार साहब समझ गए कि पान वाला जो है अब उनकी और प्रश्नों का उत्तर देने का इच्छुक नहीं है। अब उसने कहा, लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, जिससे कि स्पष्ट होता है कि कैप्टन जो है वो लंगड़ा है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। अब उन्हें अच्छा नहीं लगा कि कैप्टन की देशभक्ति के बारे में और कैप्टन के बारे में पान वाले ने किस तरह से उसका मजाक उड़ाया। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया, अवाक यानी हैरान। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए
अभी अभी एक गली से निकला था। अब यहाँ पर इस पंक्तियों में कैप्टन जो है उसका शारीरिक चित्रण किया गया है, उसका शारीरिक वर्णन किया गया है कि वो कैसा है। एक बूढ़ा मरियल आदमी है, वह लंगड़ा है, जो सिर पर गांधी टोपी पहनता है, आंखों पर चश्मा लगाया हुआ है और हाथ में एक संदूकची है यानी छोटी सी पेटी है, और उसके दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए चश्मे जिन्हें वो बेचने के लिए निकला है। और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। मतलब अब देखा कि उसके पास दुकान भी नहीं है बल्कि वह तो एक फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। अब वे ये भी सोचना चाहते थे कि जब ये कहीं का सिपाही नहीं है, आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सैनिक नहीं है, उनका साथी नहीं है, तो इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। लेकिन पान वाले ने अपने पहले ही साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चकोर होता, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। अब हालदार साहब की ये आदत बन चुकी थी कि जब भी वे उस कस्बे से गुजरेंगे तो उस चौराहे पर बनी मूर्ति को वो ध्यान से देखेंगे और उस पर बदलते हुए चश्मों का आनंद लेंगे। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, उस धूल भरी यात्रा में मतलब वो जो यात्रा कर रहे होते थे अपने काम से जब जा रहे होते थे तो उसमें वो बेचैनी को तो यानी बेचैनी और प्रफुल्लता यानी खुशी के क्षण मिलते थे उन्हें। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे के अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब एक बार भी कुछ समय के बाद जब गुजरे तो उन्होंने देखा कि वहां मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, चौराहे पर भी सब कुछ खामोशी सी थी, तो उन्होंने सोचा कि क्या बात है। अगली बार भी जब वो निकले वहां से तो देखा कि मूर्ति पर चश्मा अब भी नहीं है। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। क्योंकि अब उन्हें आदत हो गई थी आंखों पर चश्मा देखने की और उन्होंने बिना चश्मे की मूर्ति देखी तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने पूछा कि आज चश्मा क्यों नहीं है। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुँह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अब उसने क्या बताया कि कैप्टन जो कि बार बार चश्मे बदल दिया करता था वो अब मर गया, इसलिए अब कोई चश्मा लगाने वाला बचा ही नहीं। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। अब हालदार साहब भी ये सुनकर जो है वो उदास हो गए, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। मतलब यहाँ पर जो है व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है जिसके द्वारा लेखक ये बताना चाह रहा है कि उस कौम का क्या होगा, उस देश के लोगों का क्या होगा जो अपने ही देशवासियों के आज़ादी के लिए या देशभक्ति के लिए या देश प्रेम के लिए जो भावना है उसका मजाक उड़ाती है। वे दुखी हो गए। 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। अब उन्हें पता था कि क्योंकि उनकी आदत थी कि कस्बे में जब भी निकलते थे तो मूर्ति पर चश्मा देखते थे, तो मूर्ति पर चश्मे को देखने के लिए बार बार मूर्ति को भी देखते थे, तो उन्हें याद था कि मूर्ति लगी होगी वहाँ पे, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। लेकिन उन्हें यह भी याद आ चुका था कि कैप्टन मर गया है और अब चश्मा लगाने वाला कोई भी नहीं है, तो मूर्ति जो है वो बिना चश्मे की ही रही होगी क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे। अब हालदार साहब ये सोचकर ही इतना उदास हो गए थे कि उन्होंने सोचा कि आज वे वहां पर रुककर पान नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई।
कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। अब जैसे ही, क्योंकि पहले तो उन्होंने मन बना लिया था कि वे मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, अपना मूर्ति को देखे बिना ही उस चौराहे को पार कर लेंगे, इसलिए उन्होंने ड्राइवर को भी वहां रुकने से मना कर दिया। लेकिन आदत थी उनकी, मजबूर हो गए वे। जैसे ही आया तो उन्होंने आंखें उठाकर मूर्ति को देखा और जो भी देखा उन्होंने ड्राइवर को फटाफट चिल्ला कर कहा कि रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लग गए कि जीप इतनी तेजी से कैसे रुकी। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अब वे मूर्ति को देखने के लिए मूर्ति के पास जाकर बिल्कुल उसके सामने अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे सा बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। अब उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति पर जो है वो सरकंडे का चश्मा बना हुआ था, तिनका जिसे कहते हैं, पतला सा उसे उसका चश्मा बना हुआ था, जिसे किसने बनाया था, बच्चों ने। अब ये देखकर हालदार साहब भावुक हो गए, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। अब इसमें क्या बताया गया है कि हालदार साहब जो है वो क्या देखकर भावुक हो गए, उन्होंने जब देखा कि सरकंडे का चश्मा, वास्तविक चश्मा जो है वो लगाना था, लेकिन अब जो है मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था, जिसे किसने बनाया था, उस गाँव के बच्चों ने बनाया था। तो ये देखकर हालदार साहब की आंखें भर गई, आंखें भर आई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि केवल कैप्टन ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी में भी देश प्रेम की भावना जो है वो बची है, बच्चों में भी देश प्रेम की भावना जो है वो, देशभक्ति की भावना जो है वो देखने को मिल सकती है। तो आशा है आप सबको ये पाठ समझ में आ गया होगा और इसके प्रश्न उत्तर जो है हम इसके अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।